मसीही समाज द्वारा ईस्टर पर्व मनाया गया। समाज द्वारा सिकरनौ हॉस्पिटल चौक में भव्य लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के आयोजन में विधायक प्रतिनिधि व पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर व राजस्व प्रभारी सीजू एंथोनी तथा पार्षद कोमल दास टंडन शामिल रहे। मसीही समाज द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ईस्टर पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक में मसीही समाज द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के आयोजन में विधायक प्रतिनिधि व पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर, राजस्व प्रभारी व पार्षद सीजू एंथोनी व साथ ही क्षेत्रीय पार्षद कोमल दास टंडन के साथ समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सुबह से दोपहर तक चले लंगर में समाज व अन्य लोगों ने लंगर का प्रसाद चखा। वही लंगर को लेकर शामिल लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। हमारे मसीह समाज के माध्यम से जो आयोजन किया गया था आज ईस्टर पर्व के पक्ष में, और आप लोग आया बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी वर्ष में भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे, और हमारे साथी संघ के माध्यम से सब सफल हो पाया है। हम लोग आज जिसके उपस्थित हुए यहाँ पर, आज हमारा जो पर्व है ईस्टर पर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो जितने भी इंसान हैं मनुष्य जाति के लिए था ये, और हमारा जो यीशु मसीह आया एक कारण था। परमेश्वर यहोवा हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने अपने एक पुत्र को दे दिया। प्रेम के कारण हमारे पापों के उद्धार के लिए उसने दिया। और आज गुड फ्राइडे था, 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, हमारे पापों का उद्धार हुआ और आज वो जीवित हुए। तो हमारा ये विश्वास है कि हम पुनर्जीवित होंगे, और हमारा ये पुनरुत्थान का पर्व हम मनाने यहाँ बैठे हैं कि हम एक एक लोगों का, एक एक मनुष्य जाति का हिसाब होगा, उसे कर्म के हिसाब से हम वो मनाने के लिए उत्साह में बैठे हैं यहाँ पर। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा परमेश्वर पिता यहोवा हमसे इतना प्रेम करता है, जब उन्हें पुत्र को दे दिया तो हमको भी छोड़ेगा नहीं, वैसा ही वरदान हमको मिलेगा। हम उत्साह को बना के मिले थे, और धन्यवाद करते हैं कि जो भी लोग मिले यहाँ पर, और हम सबको मैसेज पहुँचाना चाहेंगे और पूरे समाज को लेके मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता हूँ। ईस्टर पर्व पर समाज के लोग शामिल रहे। साथ ही आयोजन में अनमोल, रुपेश, वेंकट, अभिजीत, माइकल, केविन, अधिवक्ता अकबर सहित सुनील, रावना राव और इन सभी ने लंगर में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।